गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम इंग्लिश वन में यूनिट सिक्स की स्टोरी करेंगे। उस दिन हमने क्या किया था, पोएम की थी एप्पल वाली। ओके, यूनिट सिक्स, ओपन योर पेज नंबर 66 पेज नंबर निकाला। आपके स्कूल ओपन हो गए हैं, जिसको भी स्कूल में पढ़ने की इच्छा हो वो मंडे से स्कूल में आ सकता है कंफर्मेशन लेटर लेके। ओके, आपको वीडियो के थ्रू भी और क्लास में भी आपको सेम कराया जाएगा। ये वाला पेज खोल लीजिए, आवर ट्री, स्टोरी का नाम है आवर ट्री। Our tree. A little bird sees ripe fruit on your trees and eats a tasty berry. The bird flies tall and a berry seeds fall. A little bird sees ripe fruit on our tree and eats a tasty berry. The bird flies tall and berry seeds falls. The rains have come, hurry, let's run. Clouds, rain and sun, our plants is born a little one. A little bird से एक छोटी सी चिड़िया ने क्या देखा, ripe fruit on our tree, कि पेड़ पर एक फ्रूट लगा हुआ है, कि पेड़ पर ripe fruit on our tree, ट्री पे पेड़ पर एक फ्रूट लगा हुआ है। एंड ईट्स ए टेस्टी बेरी, और कैसा है टेस्टी बेरी, और वो बहुत टेस्टी है। द बर्ड फ्लाइज टॉल, और बर्ड क्या होती है, बहुत ऊपर उड़ रही है। एंड ए बेरी सीड्स फॉल, और उसके जो बेरी के जो सीड्स है वो नीचे गिर रहे हैं। द रेन्स हैव कम, हरी, और बहुत तेज बारिश हो रही है। लेट्स रन, तेज दौड़ो। क्लाउड्स रेन एंड सन, और बादल भी दिखाई दे रहा है, उसमें सन भी दिखाई दे रहा है। आवर प्लांट्स इज बॉर्न ए लिटिल, और हमारा छोटा जो बेरी के जो बीज गिरे उससे हमारा जो है पेड़ जो है वो उग रहा है। क्या हो रहा है, पेड़ उग रहा है। नाउ ए ट्री विद ब्रांचेस लॉन्ग, क्रोज एंड बर्ड स्ट्रॉन्ग, क्राउलिंग आंट्स एंड स्पाइडर्स वेब्स, caterpillars with tiny legs, rich green leaves, life a plenty. A little bird sees ripe fruit and eats a tasty berry. The bird flies tall. The bird flies tall. The bird flies tall. And the berry seeds falls.
also. See, it falls. The rains have come. The rains have come. The rains have come. Hurry. Hurry, let's run. Let's run. Clouds, rain and sun. Clouds, rain and sun. Our plant is born. Our plant is born. Our plant is born, a little one. Okay, a little bird sees ripe fruit on our tree and eats a tasty berry. The bird flies tall and a berry seed falls. The rains have come. Hurry, let's run. Clouds, rain and sun. Our plant is born, a little one. Okay.
लिया, लिखा बेटा ये now a tree with branches long, crows and birds song, crawling ants and spider webs, caterpillar with tiny legs, rich green leaves, life plenty. बहुत सारे caterpillars पेड़ बढ़ने लग जाते हैं तो सब लोग नाचने लग जाते हैं, इस टाइप से है. ओके, नेक्स्ट इज द ट्री हैज फ्रूट सम बिग, और पेड़ पे कुछ बड़े बड़े फ्रूट लगने लगे हैं. Some small lights up like them but do not fall. और उनको हम तोड़ सकते हैं, वो गिरते नहीं हैं, ठीक है, बट डू नॉट फॉल, उनको गिराना नहीं है. उनको प्लग होता है, तोड़ ले, तोड़ सकते हो पर गिराना नहीं है. Crows perch, squirrels run and see the monkeys having fun. Strong branches with pretty swings. Our beautiful tree has so many things. New words, berry, caterpillars, nest, rain, strong branches with pretty swings. Our beautiful tree has so many things. New words. Berry. 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 Caterpillars. Caterpillars. Crows, monkeys,
monkeys, crows. Okay, हो गया। अब आता है क्लाउड्स ब्रिंग रेन, देख के ही लिखना है। फिर आता है वेयर डज द लिटिल बर्ड सी द फ्रूट, लिटिल बर्ड ने फ्रूट कहाँ देखा था, तो ऑन द ट्री। ओके, व्हाट डज शी डू, फिर उसने क्या किया, क्या किया उसने, तो What happened when she eats the berry? उसने जब बेरी को खाया तो क्या हुआ था, क्या लिखा था यहाँ पे, द बर्ड फ्लाइज राइप फ्रूट ऑन आवर ट्री एंड ईट्स अ टेस्टी बेरी, द बर्ड फ्लाइज ऑल एंड बेरी सीड्स फॉल्स। और उसने जैसे खाया तो वो जो फॉल वो सीड्स था वो नीचे गिर गया, और नीचे गिरने से बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट्स ऊपर बनने लग गए थे। ठीक है, वेयर डू बर्ड स्लीप, बर्ड कहाँ रहती है, तो ऑन द ट्री। हैव यू सीन एनी बर्ड्स नियर योर हाउस, आपके आसपास कोई बर्ड दिखती है, आपको दिखाई देती है, तो हमको बर्ड रोज दिखाई देती है। ओके, डू यू नो देयर नेम्स इन इंग्लिश इन और इन योर ओन लैंग्वेज। अब ये लिखा है सर्कल द थिंग्स यू कैन फाइंड ऑन अ ट्री, जो चीज़ आप पेड़ पे देखते हैं उसको हमको फाइंड करना है। ओके, जैसे बी हीव, ये हम पेड़ पर मधुमक्खी का छत्ता देखा आप लोग, किस में लगता है, पेड़ पर लगता है, पेड़ पर लगता है ना, दिखाई देता है ना, तो बी हीव क्या कहेंगे, बी हीव क्लोथ, क्लोथ यानी कपड़े, क्लोथ यानी कपड़े, क्लोथ यानी कपड़े, काइट, काइट यानी पतंग, काइट, क्राउज सी आर ओ डब्ल्यू क्राउज, ये भी पेड़ पे है, कपड़े तो पेड़ पे टंगते नहीं है इसलिए कपड़े में सर्कल नहीं करेंगे, काइट, सर्कल द थिंग्स यू कैन फाइंड ऑन अ ट्री, जो पेड़ पर आप देख सकते हो उनको सर्कल करना है, तो जो चिड़िया होती क्राउज होते हैं उनको हम फाइंड करते हैं, तो उनमें सर्कल करिए, बीहीव में सर्कल करिए, लीव्स पेड़ों पर पे क्या होता है पत्तियाँ लगती है तो पत्तियों पर सर्कल करिए, पेंसिल आर्ट बुक मैंने करी कोई पेड़ है तो राइट करना, नहीं है तो रॉन्ग कर देना, द ट्री हैज़ फ्लावर्स, ट्री पे फ्लावर्स दिखाई देते हैं आपको तो राइट कर दीजिएगा, द ट्री हैज़ फ्रूट्स, और फ्रूट्स दिखाई देते हैं तो राइट कर दीजिएगा। ये पूरी एक्सरसाइज है, अच्छी तरह से कर लीजिए, बहुत इजी एक्सरसाइज है। और ये लाइस फॉर्म भी लिखा है, आई डिज द अर्थ, मैं अर्थ को खोद रहा हूँ, आई प्लांट द सैंड, ये राइट आएगा। ठीक है, आई वॉटर द प्लांट ग्रोज, ओके, प्लांट को ग्रो कर रहा है। तो चैप्टर नंबर 6 में स्टोरी है आवर ट्री, कौन सी स्टोरी है, आवर ट्री, वो अच्छी तरह से आप एक बार रिवाइज करिए, आपको समझ में आ जाएगा, नहीं समझ आया तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।